गणतंत्र दिवस की 72वीं वर्षगांठ को लेकर बिलासपुर में भी जिलास्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश की सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रही। कार्यक्रम की शुरुआत में सरवीण चौधरी ने ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी ली, जिसमें पुलिस बल व होमगार्ड की टुकड़ियों सहित एनसीसी कैडेट्स ने परेड में हिस्सा लेकर मुख्य अतिथि को सलामी दी। वहीं कार्यक्रम के दौरान स्कूली छात्रों द्वारा देशभक्ति गीतों व सांस्कृतिक लोक नृत्यों की शानदार प्रस्तुतियां दी गई। वहीं अपने संबोधन में कैबिनेट मंत्री सरवीण चौधरी ने जहां गणतंत्र दिवस के खास अवसर पर बिलासपुर की जनता को बधाई दी, तो साथ ही देश के लिए न्यौछावर हुए वीर शहीदों को याद करते हुए नमन भी किया। इसके बाद उन्होंने प्रदेश में चल रही विभिन्न विकासात्मक योजनाओं की जानकारी देते हुए प्रदेश के हर वर्ग का समान विकास करने व पूर्व सैनिकों व शहीदों के परिवार के लिए सरकार द्वारा विशेष कदम उठाए जाने की बात भी कही। गणतंत्र दिवस के इस समारोह में सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आज का सुअवसर 26 जनवरी का दिन हम सब देशवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक अवसर है। इसी ऐतिहासिक दिन में हमारे देश में संविधानिक व्यवस्था लागू हुई और हमारा देश विश्व भर में सबसे बड़े लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित हुआ। मैं इस ऐतिहासिक दिवस पर देश और प्रदेश के उन महान सपूतों और देशभक्तों को भी स्मरण करती हूँ, जिनके कारण हमें ये तिरंगा लहराने का फख्र हासिल हुआ। आज हम इस तिरंगे की आन बान और शान के साथ सिर ऊपर करके अपना जीवन हर एक देशवासी गुजार रहा है और जिसके पीछे अनेक शहीदों के बलिदान हैं, देश की स्वाधीनता दिलाने के में अनेक कुर्बानियां दी जिन्होंने। मैं गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर उन सब शहीद जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ, जिन्होंने देश की रक्षा, एकता और अखंडता को बनाए रखने की खातिर अपने प्राणों की आहुति दी है। और भूतपूर्व सैनिकों के परिवारों को अनेक सुविधाएं प्रदान की है। वही देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने भी जहां वन रैंक वन पेंशन से नवाजा, अनेक सुविधाएं इस देश के सैनिकों को लगातार दी जा रही है। सरकार ने परमवीर चक्र, अशोक चक्र विजेताओं की वार्षिकी को 3 लाख रुपए, महावीर चक्र और कीर्ति चक्र विजेताओं की वार्षिक को 2 लाख रुपए, वीर चक्र शौर्य चक्र विजेताओं की वार्षिक को 1 लाख रुपए किया है। युद्ध के शहीद सैनिकों ने उनकी विधवाओं को उनकी बेटियों की शादी के लिए जहां 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलती थी, सरकार ने उसको बढ़ाकर 50,000 रुपए किया है। मुझे लगता है कि एक मील का पत्थर सैनिकों की बेटियों की शादियों में ये साबित हो रहा है।